टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस वेबर परीक्षण किस हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता। क्वेश्चन नंबर 2, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ताकत। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक एवं लैग डायनेमोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पीठ एवं पैरों की ताकत। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है एंथ्रोपोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से 2 या 2 से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण। विश्वसनीय परीक्षण यानी यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से 2 या 2 से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई होती है 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 8, बॉलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? लचीलापन। ठीक है, लचीलापन जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है बॉलिस्टिक टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है परीक्षणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापन में कुशलता की परख करके विकसित करने में एवं प्रतियोगिताओं की भावना के विकास में आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होती है? परीक्षण की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑफ यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एवं नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में। इसको रिपीट कर देते हैं, रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीकरण पूर्व कथन व तुलना एवं परामर्श एवं निर्देशन ये कार्य हैं किसके? मापन के। क्वेश्चन नंबर 13, माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है तो मात्रक एवं संख्यात्मक मान।
मापन को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? मात्रक एवं संख्यात्मक मान। क्वेश्चन नंबर 14। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में एवं खेल क्षेत्रों के माप निर्धारित करने में किसका महत्व है? मापन का किसका महत्व है? मापन का। क्वेश्चन नंबर 15। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में किसका विशेष महत्व है? मापन का। क्वेश्चन नंबर 16। हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई एवं वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई चौड़ाई यह सही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये मापन का है। क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। किसके द्वारा बनाया गया? ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18। पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की स्वस्थता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया परीक्षण है? तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया परीक्षण है यह नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।